पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। इजराइल और हमास में जारी जंग का असर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिला। पुणे की सड़कों पर इजरायली झंडे के पोस्टर चिपकाए गए हैं, इनमें जूते के निशान भी छपे हैं। पुणे शहर की कई सड़कों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं। शहर के 4 थानों में इसे लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुणे के लश्कर समर्थ कोंडवा और खड़क पुलिस स्टेशनों में IPC की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस पोस्टर कांड में 6 लोगों का हाथ है। पुलिस ने सड़कों पर लगे पोस्टर को हटा दिया है। DCP विक्रांत देशमुख ने बातचीत के दौरान बताया कि 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 6 आरोपियों में से 3 को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने सीमावर्ती इलाकों में घुसकर इजरायली सैनिकों और आम लोगों पर हमला भी किया था। इन हमलों में अब तक 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं इन हमलों के जवाब में इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में अब तक 4600 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 14000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।